अम्मा राधे राधे गुड मॉर्निंग राधे राधे जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। उषा तरवा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए मंदिर में आ चुकी हूँ, अपने काम से फ्री होकर के बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं आ गई हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। आप सभी दर्शन कर लीजिए द्वारकाधीश महाराज के, और उसके बाद में हम जाएंगे यमुना मैया जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में मैं परिक्रमा लगाती हूँ, और परिक्रमा लगाने के बाद में गिरिराज महाराज के दीपक जलाती हूँ गिरिराज महाराज के पास में। द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं यमुना मैया जी के दर्शन करने के लिए। यमुना मैया जी के दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करने के बाद में अब हम जाएंगे घर की तरफ। और रास्ते में ही भोले शिव शंकर का मंदिर है। देखिए ये है मंदिर जो हमारे चौकी के बिल्कुल पास में है। मैंने यहाँ भी दर्शन किए थे, बहुत अच्छा लगा था। गुड मॉर्निंग राधे राधे जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। उषा तरवा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आई हूँ मंदिर से, सभी कामों से फ्री होकर के मैं गई थी मंदिर। और देखिए कितने पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है। देखिए मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश जैसे, बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया है, और सुबह से ही हो रहा है जैसे कि बिल्कुल बारिश पड़ने की है। बाल देखिए कैसे हो रहे, जैसे बिल्कुल बारिश पड़ने के लिए तैयार है। और गर्मी इतनी हो रही है कि आप देख सकते हैं मुझे पसीने कितने आ रहे हैं। इसलिए मैं तो थोड़ी देर 10-5 मिनट एसी खोलूँगी और उसमें बैठ के चाय पीऊँगी, और उसके बाद मैं देखती हूँ फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ा सूट वगैरह का देखती हूँ। इतने इस मौसम में मन नहीं करता मशीन लेके बैठने का। और दूध आज मैं रक्षित को लेने छोड़ने गई थी ना स्कूल, तभी लेकर के आ गई थी। तो मैंने गर्म करने के लिए रख गई थी, मंदिर गई थी, पर मैं इसे ऑफ़ करके गई थी, अब ऑन कराया आ करके। तो यहाँ हो रहा है दूध गर्म। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सभी कामों से फ्री होकर के जब मंदिर गई थी, मंदिर से आ गई हूँ, मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। लड्डू गोपाल जी भी देखिए नहा धोकर के उनके स्थान पर बिठा दिए हैं, और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी भी, चलिए आपको दर्शन करा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के। देखिए ये है मेरे छोटे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल जी, क्यूट सी स्माइल के साथ, प्यारी सी स्माइल जरूर देते हैं ये। और ये है ना, देखिए ख़राब हो गई है इसकी जो बिछाने वाली है ना मैट जो बोलते हैं इसे, स्लीपर, ये ना ख़राब हो गई है। तो इस बार हम संडे को सोच रहे थे इसे चेंज करने के लिए, पर संडे को टाइम नहीं मिलता। पूरा दिन संडे का हो चाहे कैसा भी हो, मेरा तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता। इन्हें संडे का टाइम मिलता भी है तो पतिदेव को, तो उनका भी टाइम ऐसे निकल जाता है, कभी कुछ करवाते हैं कभी कुछ, मतलब जो काम हमारे जो पड़े रहते हैं ना, कि जो काम मैंने की जैसे फोल्डिंग बनाना और भी थोड़े बहुत काम रहते हैं बाहर के, तो वो काम इनके लिए रहते हैं। तो वो संडे में जो भी काम रहते हैं ना तो यही करवाते हैं। तो संडे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। हम सोच रहे थे कि मार्केट से इसे यानी जी फ्लोर जो है ना इस पर स्लिप पे बिछाने वाली जो मैट आती है हम वो लेकर के आएंगे, तो टाइम ही नहीं मिला था। आप सोच रहे हैं जब भी टाइम मिलेगा तो ये है ना बेकार हो गई है, सब चटक गई है, जबकि अभी लगाई थी 6 महीने पहले ही लगाई है, शायद बाद में ही 6 महीने बाद ही लगाई है, अभी लगाई है 3-4 महीने पहले या 6 महीने ही मान के चलिए जब भी लगाई, पर चटक गई है ये, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे बहुत गंदी लगती है। इस बार सोच रहे हैं डार्क कलर लेकर के आएंगे, ये वाइट आ गया था फिर बेकार हो गई है। तो जब भी टाइम मिलेगा ना संडे को, कभी भी टाइम मिलेगा ना, तो मैं इसे चेंज जरूर करवाऊँगी। और
मम्मी मेरी जा चुकी है, मैं आपको बोल रही थी मैं बात कराऊंगी। और मम्मी का अचानक से तो प्रोग्राम बन जाता है मथुरा आने का, अचानक से प्रोग्राम बन जाता है मथुरा से गांव जाने का, जबकि कल शाम तक कोई प्रोग्राम नहीं था मम्मी का कि मम्मी को मथुरा गांव जाना है, और अचानक से ही प्रोग्राम बन गया। देखिए पसीने कितने आ रहे हैं दीदी। अचानक से ही मम्मी का प्रोग्राम बन गया और सुबह उठ करके कहती हैं मुझे जाना है, तो इस वजह से मम्मी का पता नहीं रहता हमारे का कब चल देती हैं कब आती हैं, बिल्कुल अलग ही हटके हैं हमारी मम्मी। तो बस मम्मी गई हुई हैं गांव, चली गई, आप लोगों से बातें भी नहीं हो पाई उनसे, पर कोई बात नहीं क्योंकि उनकी है ना खेत में जो मक्का है ना वो पकी हुई है, फिर उस मक्के का भी काम है जो सूखी हुई सूख रही है। वैसे तो बारिश हो रही है पर पापा बोल रहे थे कल धूप निकली थी, तो बस मम्मी इसी वजह से और चली गई कि बेशक बारिश हो रही है पर बहुत से काम ऐसे पड़े हुए हैं कि जो मम्मी ही कर सकती हैं। जैसे मम्मी कह रही थी मूंग तोड़वा के है ना, और उसमें पता नहीं किसमें भर करके आ गई थी, मम्मी कह रही उसमें दाने होते हैं ना मूंग के, मम्मी कह रही उसमें है ना वो उसमें उपज आएंगे जो किल्ली फूटते हैं ना वो आ जाएंगे, पर मेरी मूंग खराब हो जाएगी। तो कल तक तो मम्मी का कोई प्रोग्राम नहीं था कि मम्मी जाएंगी, और सुबह उठ करके आती हैं आइयों मैं जा रही हूँ, पर मैं तो देखती रह गई थी बताओ, कभी भी आ जाती हैं कभी भी चली जाती हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो पर कोई नहीं, इस बार आपकी बात नहीं हो पाई है मम्मी से, पर अभी जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगी ना, मम्मी कह रही थी खेत वगैरह के जो काम से फ्री हो जाएंगी ना तब आएंगी, और मतलब जो मक्का वगैरह का जो उनका काम रह गया, मक्का है अभी उर्द या मूंग बता रही थी थोड़ी बहुत वो भी रह गई है, कुछ टूट गई थी उनकी तोड़वा दी थी और कुछ रह गई है वो जा कर के देखेंगी, अगर कोई मिलता है तो करवाएंगी उनसे, और बस ये दो तीन काम उनके हो जाएंगे उसके बाद में मम्मी आएंगी। फिर मम्मी बोल के गई हैं कि मैं आऊँगी उसके बाद में मैं आपकी बात कराऊँगी, अभी तो आपकी बात हो ही नहीं पाएंगे मम्मी से, तो मम्मी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो अब कल परसों में ही आ जाएगी, और मम्मी जब भी आएंगी ना तभी मैं आपकी बात कराऊँगी मम्मी से। फिलहाल मैं आपकी बातें नहीं हो पाई हैं, मैंने कहा था मम्मी से बात कराती हूँ तो आपकी बातें नहीं हो पाई हैं फिलहाल मैं मम्मी से। और कल का मैंने वीडियो डाला था उसमें आप बताना, मैं ना रंगेश्वर गई थी, मैंने आपको बोला था मैं रंगेश्वर जाऊँगी तो वहाँ शिव शंभू मतलब भोलेनाथ जी हैं उनके दर्शन कराऊँगी मैं आपको, जब मैं शिवरात्रि पर गई थी उस वाले मंदिर में। तो शिवरात्रि पर देखिए आपको अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ तो अभी थी पर हम थोड़ा लेट गए थे इस वजह से है ना कम हो गई थी भीड़ जो है, तो इस वजह से दर्शन है। आप पूरे मंदिर आपको सभी भगवान दिखाई दे रहे हैं, और नंदी हैं नंदी बाबा, आपने नंदी देखे हैं ना, नंदी देखे थे मतलब मैंने आपको पूरा है ना बहुत अच्छे से दर्शन कराए, तो आप बताना आपको है ना मेरा वो वाला वीडियो कैसा लगा है, और आपको मैंने रंगेश्वर महाराज शिव शंभू के सभी के दर्शन कराए हैं मैंने भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। कल मैं मंदिर गई थी ना रंगेश्वर मंदिर गई थी, जो मैं वीडियो बना करके लेकर आई थी जो आपको पिछली वीडियो मतलब मैंने डाली है, इस लाइट भी चली गई, लाइट गई, हम चाय कैसे पियेंगे लाइट गई, तो ये मेरी मम्मी ने दिलाई थी, बताना कैसे लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं एक एक पहनूंगी एक एक उठा के रहूँगी। तो चलिए मैं ना थोड़ा चाय वगैरह बना लेती हूँ गैस पर ही, देखती हूँ बना करके क्योंकि मौसम का तो ऐसे हो रहा पता नहीं बारिश बोल रही लाइट आएगी नहीं आएगी, तो मैं जो है ना चाय बना के पी लेती हूँ, मौसम देखिए बिल्कुल तैयार खड़ा है बारिश होने के लिए। हमारी आई थी सामने वाली पंडितानी दीदी आई थी, और पंडितानी हमारी पंडिताइन ना हमें चूड़ियाँ लेकर के आई हैं जो कि मैंने आपको बोला था ना ग्रीन कलर की चूड़ियाँ लेकर के आई हैं, देखिए मैं आपको ग्रीन कलर की चूड़ियाँ दिखाती हूँ मैं पहनने जा रही थी, मैंने आपको बोला था ना कि वो दे करके जाएंगी उन्होंने मना किया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, जब मैंने आपको बोला हुआ है कि हाँ वो देंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो देखिए इस तरीके से चूड़ियाँ दी उन्होंने, और ये चूड़ियाँ मैं अभी डालूँगी, एक एक चूड़ी रह गई है हाथ में अब डालूँगी मैं इन्हें, बस यही मुझे आपको दिखानी थी। तो चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं, थोड़ा टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं, 11 बजे तक गोलू आ जाएगा, ये है शाम का टाइम, और देखिए ये हमारे तुलसा जी हैं और छोटा सा पौधा देख रहे हैं उस पर फ्लावर हैं, तो उस पर देखिए छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, और ये भी हमारे तुलसा जी, ये हमने ना तख्त पर रख दिए थे जिससे कि सिम्बा ना तोड़े, और एक में हमने जाल लगा दिया था, और शाम का जो मेरा जो काम होता है बस वही करने जा रही थी, और थोड़ी देर बाद ही मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी थी क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था, खाने की इच्छा नहीं थी किसी की भी, तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारे घर में सभी चाहे मैं एक टाइम खिचड़ी बनाऊँ या दलिया या चावल जो मटर वाले होते हैं पुलाव वो बनाऊँ तो सभी अच्छे से पेट भर कर खा लेते हैं, तो इसलिए मुझे ना रोटियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सब पेट भर के खा लेते हैं,
तो यही मैंने खिचड़ी बना दी थी और दूध गर्म कर दिया है, मतलब बनाने के लिए रख दी है और दूध गर्म कर दिया है। अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे नींद आ रही थी, जैसे बीपी की शिकायत तो कुछ उस तरीके से लग रहा था, मुझे आँख नहीं खुल रही थी मेरी। तो मैं यहाँ बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी, और शाम की हमारी पूजा पाठ हो गई, जो दीपक होता है वो मैंने जला दिया है, मतलब उनकी जोत जला दी है, मैंने दीपक जला दिया है। और बस जो एक्स्ट्रा दूध था थोड़ा सा वो फ्रिज में रख दिया है, और थोड़े से दूध में मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। देखिए हमारी कॉफ़ी में उबाल आ गया है, तो आ जाइए आप सब भी पी लीजिए कॉफ़ी, क्योंकि चाय की ना इच्छा नहीं थी मेरी, तो इसलिए ना मैंने कॉफ़ी बनाई थी कि आराम से बैठ कर के पी लूँगी कॉफ़ी को। और झाड़ू पोछे से शाम के जो मेरा काम होता ना उससे फ्री हो गई थी, झाड़ू पोछे से बर्तन वगैरह सब कर दिए थे और खिचड़ी भी छौंक दी थी, और कॉफ़ी भी मैंने इंडक्शन पर बनाई हुई है, बनाई थी आपने देखा था, इंडक्शन पे बनाई थी। और कॉफ़ी बनने के बाद में मैंने ना खिचड़ी का जो भगोना है ना वो मैंने इंडक्शन पे ही रख दिया। अब आराम से है ना खिचड़ी बनती रहेगी इंडक्शन पर, और मैं बैठ के पीऊँगी अब कॉफ़ी गरम गरम बाहर। मौसम देखिए बारिश जैसा हो रहा है, देखिए वो तो डेली हो रहा है, आप सोचोगे क्या दिखा रही है, बारिश जैसा तो डेली होता है। रात को दिन में धूप निकलती है, रात को वही बारिश शुरू हो जाती है, फिर रात को बारिश शुरू हो जाएगी। और मैंने यहाँ अपने लिए बनाई है देखिए कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाई है मैंने अपने लिए क्योंकि चाय पी नहीं थी शाम को, और चाय पीने की इच्छा नहीं थी, मुझे लग रहा बीपी लो हो रहा था, नींद आ रही है अभी, आँख हंसी हो रही है मेरी, जबकि मैं दिन में लेट ही हुई थी आज को टाइम निकाल करके। मैंने सोचा थोड़ी कॉफ़ी पी लेती हूँ, और थकान भी हो रही है, और अभी रक्षित को भी पढ़ाना है, तो सोच रही हूँ आँख थोड़ा जो नींद सी आ रही है ना वो नहीं आएगी मुझे, लेकिन अभी तो रक्षित को भी लेके बैठना है। मैंने यहाँ बना रही हूँ आज खिचड़ी, और कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ खिचड़ी बनाई है छोंक करके अच्छी सी। अभी बस हमारे पति देव भी आ रहे हैं, मैंने इंडक्शन कम कर दिया है, वो आ रहे हैं तो मटर लेकर के आ रहे हैं, तो मटर और डाल दूँगी तो और टेस्ट बढ़ जाएगा। और यहीं खिचड़ी बन रही थी, मैं थोड़ी देर बाद ही मैं रक्षित को लेकर के बैठ गई थी, इसके टेस्ट हैं, तो बस मैं इसे टेस्ट की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं ना इसे पूरा पेपर इस तरीके से उतार के देती हूँ, जो जो मतलब जो मैम कराती है ना सिलेबस में, तो मैं वही इस तरीके से इसका पेपर बना करके दे देती हूँ कि ये कितना करेगा कितना नहीं करेगा, तो मुझे इससे पता चल जाता है। तो बस मैं वही इसकी नोटबुक में पेपर की तरह उतार रही थी, जिससे कि ये मुझे करके दिखा दे कि ये कितना करेगा। और आज की वीडियो में इतना ही है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।